कहते हैं कि बल्लेबाज मैच बचाते हैं और गेंदबाज मैच जिताते हैं, और इंडिया को मैच जिताने वाले वो चार विश्व स्तरीय स्पिन बॉलर्स मिल चुके थे। 1960 का दशक, मैटिंग से चल के अनकवर्ड विकेट्स के बाद अब पूरे विश्व में क्रिकेट कवर्ड पिचेस पर खेला जा रहा था। भारत देश अब अपने यौवन में था, क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना रहा था। हमने ये स्वीकार कर लिया था कि हालांकि हमने अपनी क्रिकेट अंग्रेजों से सीखी, अब हम उनके जैसे क्रिकेट नहीं खेल सकते। हमारा मौसम अलग था, शारीरिक रूप से हम अलग थे और मैदानों की मिट्टी भी अलग थी। हमारे पास तो वैसे भी कोई खास तेज गेंदबाज थे भी नहीं। क्या थे? स्पिनर्स। और ये स्पिनर्स ही हमारे क्रिकेट की पहचान बने। अगले 50 सालों में हमारे पास एक के बाद एक विश्व विख्यात स्पिनर्स आए। इस सिलसिले की शुरुआत 1960 के दशक में एक जादुई क्वार्टेट से हुई। एरापल्ली प्रसन्ना इस क्वार्टेट के सबसे पहले सदस्य थे। ऐसी कमाल की राइट आर्म ऑफ स्पिन करते थे कि बैट्समैन बीट होके हवा में ही बल्ला घुमाते रह जाते। उछाल के मास्टर थे वो। गेंद की उछाल बल्लेबाजों को ऐसे उकसाती कि वो उनके जाल में फंस जाते और अपना विकेट गवा बैठते। उनके बॉल में इतना टर्न था, इतना स्पिन था, इतना डिविएशन था, इतना डिसेप्शन था कि वो बॉल आती थी और एकदम आप समझते हैं इधर आ रही है, और दोनों आंखों के साथ आप एकदम आप जब सामने जाते थे देखते थे कि 2 फीट पहले बॉल गिर रही है। And it's Prasanna again to box. And his leg before, 8 for 138. Erapalli Prassana पहले इंग्लैंड के विरुद्ध 1961-62 में एक ऐतिहासिक श्रृंखला में खेले और फिर वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए चुने गए। परंतु एक दो मामूली प्रदर्शनों के बाद प्रसन्ना ने पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पूरी की और उसके बाद ही टीम में वापस लौटे। आजकल पैसा है क्रिकेट में, 30-40 साल पहले पैसा नहीं था। क्रिकेट वॉज अ स्पोर्ट, हॉबी थी, लेकिन घर चलाने का और किचन चलाने का पैसा तो चाहिए। सब लोग पढ़ाई करते थे, सब लोग नौकरी करते थे। साउथ में तो है ही कल्चर वैसा इंजीनियरिंग का। प्रसन्ना इंजीनियर, फिर बाद में श्रीकांत, श्रीनाथ। प्रसन्ना के मैसूर टीम के सह खिलाड़ी भगवत चंद्रशेखर हमारी स्पिन क्वार्टेट के दूसरे सदस्य बने। चंद्रा ने अपना पहला मैच 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। चंद्रा के लिए क्रिकेट खेलना, बल्कि खेल की चरम सीमा तक पहुंचना अपने आप में एक अचंभे की बात थी, क्योंकि बचपन में ही पोलियो की वजह से उनका दायां हाथ काफी हद तक अंडर डेवलप्ड था। Nobody's ever seen him without a shirt. ये एक the right arm, just a, कोई forearm नहीं, कोई biceps नहीं, कुछ नहीं, just a bone. आपका एक हाथ पोलियो की वजह से खराब हो गया है, तो आप आंखें उठा के ये उम्मीद ही नहीं करेंगे कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं किसी भी लेवल। तो आप सोचियो, इन्होंने क्रिकेट ही ना खेली, उन्होंने एक बिल्कुल अनोखा स्टाइल ईजाद किया। चंद्रशेखर का जो रनअप था, बाउंसिंग रनअप था, ऐसा नॉर्मल स्पिन बॉलर जैसा रनअप नहीं था, ऐसा ऐसा करके गुगली होती थी, लेग ब्रेक होती थी, तेज होती थी, और उनका गेंद आवाज करता हुआ आता था। हवा में इतनी ज्यादा रोटेशंस थी कि वो सीम के कारण वो फर करके बॉल आता था। मैं इनको तो देखा करता था ना मिड ऑन मिड ऑफ से, सो आई यूज्ड टू बी वेरी क्लोज ऑब्जर्वर of their craft. Thrilling. Thrilling is a word. Chandra to Gibbs, and he's out, easily caught by Solkar at short leg. Bishan Singh Bedi हमारे स्पिन क्वार्टेट के एक और सदस्य थे, और चारों में से एकमात्र लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। और क्या स्पिन करते थे, वाह, प्योर परफेक्शन। मैं तो कहूंगा कि एक स्विस वॉच की तरह प्रिसिशन और बढ़िया एक्शन की अनोखी मिसाल।
बेदी का बचपन अमृतसर में गुजरा। कहते हैं चैंपियन तो बचपन में ही दिख जाता है। बेदी अपने मोहल्ले में कंचों के चैंपियन हुआ करते थे। I was never a good athlete, but I was very flexible. कंचे खेलने से क्या आपकी जो कंसंट्रेशन, you know, your focus on a smaller target, it might have helped. जुनून था कि बस बॉल पकड़ लिया और दिन में 7-8 घंटे बॉल करते ही रहना, करते ही रहना, और कुछ करने को था नहीं। There's nothing else to do. 2-3 घंटे सुबह बॉलिंग करो, फिर शाम को 4.5 घंटे बॉल पकड़ के छोड़ो नहीं। वो लगभग हर बॉल को टॉसअप करते थे और उनके बारे में ये मशहूर है कि जब कोई बैट्समैन उन्हें अपने सिर के ऊपर से छक्के के लिए मारता था, वो बाकायदा ताली बजाते थे। बिशन बड़े एक रंगीन क्रिकेटर रहे हमेशा। एक तो उनकी जो स्किल थी वो बेहतरीन थी, तो उसकी वजह से जो उनको सम्मान मिला वो तो मिलना ही था उनको। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स टू हैव प्लेड द गेम। लेकिन उनमें सिर्फ बॉलिंग ही उनकी खास बात नहीं थी, उनकी और भी ज़्यादा खास बात थी। उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत दिलदार हैं और बहुत डायरेक्ट अप्रोच है उनकी, नॉट जस्ट टूवर्ड्स क्रिकेट, टूवर्ड्स एवरीथिंग। उससे ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कॉन्फिडेंट मैन और अपने आप पे यकीन, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो प्रिंसिपल्स बिठाए इन एन इम्प्रेशनेबल एज मेरी लाइफ में, मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ बिशन सिंह बेदी को। क्योंकि मुझे याद है यार, एक बार हम मैं सिली मिड ऑफ पे खड़ा और राकेश शुक्ला शॉर्ट लेग पे, और एक बॉल हुआ, दो आवाज़ें आई, राकेश शुक्ला ने कैच पकड़ा और हमने चिल्ला के अपील करी, हालांकि मेरे मन में संदेह था कि शायद आउट नहीं है, अंपायर ने आउट दे दिया। तो उसी वक्त उसने विड्रॉ कर दी अपील, नो नॉट आउट, ये नहीं, ये आउट नहीं है। और हमको वहां पे सबके सामने ऐसी झाड़ लगाई ऑन द ग्राउंड, यार ऐसे क्रिकेट खेलना है तो घर जाओ, बड़े नहीं बन पाओगे। सबके सामने रोना आ गया हमारा। एज अ क्रिकेटर ही वॉज अ ट्रू क्रिकेटर, कि खेल अच्छा हो ना हो लेकिन खेल को अप्रिशिएट करना, जो जेंटलमैनली कॉन्डक्ट दिखाना चाहिए क्रिकेट के मैदान पर, और मैं तो कहता हूँ सभी खेल के मैदान पर, वो बिशन सिंह बेदी ने जरूर दिखाया। बेदी अटैक्स जूलियन एंड इज आउट, कॉट बाय विश्वनाथ एट मिड ऑफ फॉर 19, वेस्ट इंडीज 212 फॉर 6। बेदी आगे चल के भारत के कप्तान भी बने। क्वार्टेट में से कप्तान बनने वाले एक ये थे और दूसरे श्रीनिवास वेंकट राघवन, ये भी दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर थे और चारों में से सबसे अच्छे बैट्समैन और फील्डर। इन चारों स्पिनर्स का योगदान हमारे क्रिकेट के इतिहास में अद्वितीय रहा और इनकी बदौलत हम विश्व क्रिकेट में अपना सिक्का जमाने लगे। कहते हैं कि बल्लेबाज मैच बचाते हैं और गेंदबाज मैच जिताते हैं, और इंडिया को मैच जिताने वाले वो चार विश्व स्तरीय स्पिन बॉलर्स मिल चुके थे, एरापल्ली प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी और श्रीनिवास वेंकट राघवन। लेकिन अब एक अनोखी उलझन का सामना करना पड़ा हमारे क्रिकेट कप्तानों को। 11 खिलाड़ियों में 3 स्पिनर्स को ही शामिल किया जा सकता था। ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी, एकनाथ सोलकर और रूसी सूरती भी उसी दौरान खेल रहे थे और वो भी स्पिन डाल सकते थे। टाइगर पटौडी और उनके बाद अजीत वाडेकर के लिए हमेशा ये तय करना मुश्किल हो जाता था कि चार बढ़िया स्पिनर्स में से किन 3 का चयन करें और किसको बाहर बिठाएं। 1964-65 में टाइगर पटौडी की कप्तानी के दौरान हमने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियन टीम को बॉम्बे में करारी शिकस्त दी थी और इसके कुछ समय बाद हमने न्यूजीलैंड को हराया था। इन दोनों में मुख्य भूमिका थी चंद्रा और वेंकट की। 1968 में हमें विदेशी जमीन पर पहली बार सफलता मिली जब हमने न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच जीते और 3-1 से श्रृंखला अपने नाम की। इस बार जीत के नायक थे प्रसन्ना और बेदी। बेदी, प्रसन्ना, चंद्रा एंड वेंकट, यू नो, इन द डेज दैट आई वाज ग्रोइंग अप, दे सर्टेनली हेल्ड द कीज टू इंडियाज फॉर्च्यून्स एज फार एज टेकिंग विकेट्स वर कंसर्न। 1971 में वाडेकर कैप्टन थे और वेस्ट इंडीज के दौरे में चंद्रा विवादास्पद रूप से टीम में नहीं थे,
इसके फौरन बाद हुए इंग्लैंड के दौरे में उनको जगह देने के लिए प्रसन्ना को बाहर बैठना पड़ा। भारत ने दोनों श्रृंखलाओं में ऐतिहासिक रूप से जीत दर्ज की। The capital greets India's cricket heroes on their return after scoring India's first ever rubber victory in England. चारों में से कभी कोई तीन खेलते थे तो कभी कोई और तीन, लेकिन सामूहिक रूप से हमारी बॉलिंग अटैक इस पूरे अंतराल में हावी रही। 71 के बाद जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी तो 72 में चंद्रशेखर ने 35 विकेट लिए थे, बेदी प्रसन्ना ने भी काफी विकेट लिए और इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था 2-1। वी वर ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, वी वर सो प्राउड ऑफ ईच अदर, आई प्रॉमिस यू वी वेरी प्राउड। अगर सपोजिंग एरापल्ली ने 5 विकेट लिए तो ये नहीं कि कोई और सेल कर रहा है, या चंद्रा ने 6 विकेट लिए, वी आर ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग एंड फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑनेस्टली। Roberts faces Bedi and he's out LBW for 0. Prasanna, Bedi, Chandra aur Venkat ne keval gharelu conditions mein hi nahi balki overseas mein bhi lagatar acha pradarshan dikhaya. Vibhinn paristhitiyon mein ek na ek samne aata tha aur maharat hasil karta tha. Kalicharan sweeps, gets an outer edge and he's brilliantly held by Vishwanath at slip. Here's Bedi to Murray. And he's out LBW for 13. Venkat to Lloyd. And Abid snaps him up at slip. Eden Gardens, Calcutta is the venue of the third test match. And India go into the match after two crushing defeats and their morale at the lowest ebb. हम लोग test match कलकत्ता की जो मेरी पहली first test match थी, पहली test match, उस वक्त हम लोग हारने वाले थे. 180 कुछ बनाने थे last inning में. And the day ends with the score at 40-1. Prasanna aur Vishwanath room partner the. 12 baje ke baad bell baja. Prasanna bola 12 baje ke baad bhai kaun kar raha hai? To Tiger Patodi bahar khada. Bolta hai kal subah tu bowling karna. Aur dusra baju se Bishan Bedi. Kyunki ye test match gayi. Dusra din subah जब टीम जा रही थी ग्राउंड पे तो प्रसन्न ने थोड़ा ऐसा किया तो बोलो रुक, चंद्रा को बॉल दिया, कल उसको 12 बजे उठाया, मैंने बोला तू बॉलिंग कर, विशन बॉलिंग कर, चंद्र कैसे से आ गए? चंद्रशेखर पे हमारा था भरोसा कि ये खेल ही नहीं सकेंगे, चंद्रशेखर खत्म कर देगा ये। अब चंद्रशेखर ने इतनी खराब गेंदबाजी की उस दिन कि बहुत रन दिए उन्होंने। ग्रेनेज डज नॉट स्पेयर एनीथिंग शॉर्ट and Chandra learns this quickly enough when he is smacked for a 6. Chandra ne pehle over mein 10-12 run de diye, wahan se Bishan Singh Bedi aaya, usne ko 2-3 run diye, pakad ke tight dala bowling, wapi Chandra aaya, wapi chor ko 12-14 run de diye, do over mein to 20-25 ho gaya, karna hai to abhi unko 70-80. Fir unko band karke ek side se Prasanna, ek side se Bishan Singh Bedi, aaram se chal raha tha, Kalicharan, Clive Lloyd, Vivian Richards. Richards finds his touch and Lloyd bats as though he's continuing from Bangalore. Ab ye chalte raha death hai wo certain tha, kab aayega itna hi tha, 60 run kuch baki the aur Patodi ek over ke liye andar chale gaye. Aisa tha ki kabhi wicket nahi girti thi to crowd would start run Chandra Chandra just to remind ki captain ko ki usko le aao bowling ko. Patodi andar gaye, next over mein wapas aa gaye, immediately unne Chandra ko laya wapas Chandrashekhar ko. हम बोले कि क्या कर रहे हैं, इतना खराब गेंदबाजी, शॉर्ट गेंदबाज, फुल टॉस, कुछ नहीं था, रिदम नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, लाइन को मैच जल्दी खत्म कर देना है और घर जाना है। चंद्रा टू जूलियन एंड इज आउट LBW फॉर 7। चंद्रा ने फर्स्ट ओवर में 2 विकेट निकाली, दूसरे ओवर में 1 निकाली, तीसरे ओवर में 1 निकाली और मैच खत्म कर दी उसने। हियर चंद्रा टू होल्डर एंड इज बोल्ड फॉर 2। Chandra claims Roberts LBW and India win the test by 85 runs. What a great fight back after being badly mauled at Bangalore and Delhi. हर कप्तान गो टू अ बॉलर बोलता है तो चंद्रा विकेट नहीं पकड़ पड़ती है चंद्रा।
जो हमारे चार स्पिनर थे जो लेट 60 से शुरू हो गए थे, उनकी वजह से भी इंडिया में क्रिकेट बदली, और इंडिया में ही नहीं बदली लेकिन इंडियन क्रिकेट का जो इम्प्रेशन था बाहर दूसरे देशों में वो बदला कि इंडियन टीम अब तगड़ी हो गई है, अब जीतने लायक हो गई है और उनको आसानी से नहीं लिया जा सकता। चारों स्पिनर्स को रोटेट करने का सिलसिला 1970 के दशक के अंत तक चला, जब एक एक करके ये चारों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहकर रिटायर होने लगे। इनके बाद जो भी स्पिनर आता सबके मन में यही सवाल उठता कि क्या ये अगला बेदी है, अगला प्रसन्ना, क्या ये अगला चंद्रा। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।